गौहर शाही मरहबा गौहर शाही सरकार की आमद मुर्शिद की आमद चेहरा नूरानी मरहबा जुल्फे मस्तानी मरहबा या मरहबा गौहर शाही अमृत बनते कैसे जाकर कल भी बनते कैसे यकीन करो तो एक दफा उस पाक का मरीज बन जाए कोई खौफ और कोई डर नहीं लेकिन रास रंग तो बनता कैसे है ये बड़ा मुश्किल ये मसला बड़ा मुश्किल है। ग्यारहवीं देने से मरीज नहीं बनता मोहिब बनता है मोहिब है अकीदत मंद है मरीज ही मरीज कैसे बनता है। रास पाक ने खुद भी मरीज बनवाए और अपने एजेंट भी छोड़े हुए हैं जो उन्हें मरीज बनवाते हैं। जब किसी को जिक्र कलक लिया जाता है उसके होलिए को फरिश्ते बैठे मामूर में ले जाते हैं सात दिन के अंदर अंदर बैतुल मामूर वाली मखलूक से अल्लाह ताला खुद कलाम करता है पूछता है इसको कौन ले आया जहां से जिक्र अता हुआ तो मैं लाया क्यों लाया ऐ अल्लाह तेरा दोस्त बनाने के लिए। अब अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है उसको दोस्त बनाने की तो कहेगा मुझे दोस्त नहीं चाहिए फिर आप हजार कामलीन के पास गए कोई जिक्र कलब जारी नहीं हो सकता। अगर उसकी मर्जी हुई फिर कहेगा इसके सामने कौन है मैं इसको दोस्त बना लूं दोस्त को तो आजमाया भी जाता है तो आजमाऊं ये भाग जाए इसके सामने कौन है उस दोस्त पर काम आते हैं। मैं इसको जानता हूं मेरे नाम पे जीता मरता है उसकी जमानत देते हैं। अच्छा गवाही कौन देगा फिर जिन दो दरबारों पे जाया करता था वो गवाही देते हैं हम इसको जानते हैं पक्का सुननी है वो उसकी गवाही देते हैं तब अगर गवाही ना दे तब भी मसला खराब हो जाता। अच्छा तस्दीक कौन करेगा फिर हजूर पाक तस्दीक करते हैं जब हजूर पाक तस्दीक करते हैं फिर हुक्म होता है कि इसका कलब जारी हो जाए। फिर वो कहते हैं मैं रात को सो रहा था मेरे अंदर से अल्लाह ला शुरू हो गई। अब वो जैसा भी है वो जमानत वाले जाने वो तो